एक क्योंकि मेरे जीवन की घटना है, तब मैं आपको कहता हूं। मेरे गुरुदेव यही गुजरात में 80 वर्ष की उम्र में आए थे, आप अभी आए थे कलोल, कलोल में ही। अभी तो उनका स्थान तो सब नष्ट हो गया ही नहीं, वहां पे उनकी जो छोटी सी कुटिया एक दो दो पतरे की और छोटा मंदिर, उसको तो वहां से हटा के दूसरा बना दिया। बिल्कुल धनुष की तरह ऐसे कुड़ चुके थे, 128 की उम्र थी उनकी। पर जब उनका शरीर शांत हुआ तो वहां के लोग जो नासमझ थे, उन्होंने उनका दाह संस्कार करवा के उनकी अस्थियों को लाके एक कलश में रख के उसके ऊपर मंदिर बना दिया। उनके हम ही शिष्य थे, बचपन में हमें माताजी ने सौंपा था, फिर वापस ले लिया, हम ही शिष्य थे। शरीर छूटने के बाद में जब गुरुदेव संसार से विदा हुए, उस समय हम 11वीं के विद्यार्थी थे। कितने के? 11वीं का विद्यार्थी था। हमने अपनी पूरी पढ़ाई की, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, हमारे दो बेटियां हो गई, अच्छा हम व्यापार करना शुरू कर दिया। अच्छा व्यापार था मेरा, बहुत बढ़िया, राम जी की कृपा थी। जब लोगों के पास में फटफटिया भी नहीं हुआ करता था, उस समय हमारे पास एम्बेसडर कार थी, हम दिल्ली से उस समय एसी लगवा के लाए थे। अच्छे व्यापारी थे, ठाकुर जी की कृपा थी। लेकिन गुरुजी के जब हमें दर्शन हुए शरीर छोड़ने के 18 साल बाद, तब उन्होंने कहा संसार से कोई भी कितना भी बड़ा पुण्यात्मा भजनानंदी क्यों ना हो, जब तक उसका अस्थि विसर्जन नहीं होता तब तक उसका संबंध नहीं टूटता। गुरु एक संत शिष्य क्यों मनाता है? क्योंकि अपने पुण्यों को वो शिष्य को दे के जाता है, नहीं तो संत को भी वापस संसार में आना पड़ता है पुण्य और दोष भोगने के लिए। तो मैं कहा हम समझे नहीं। तब उन्होंने कहा कि बेटा हमने जीवन में कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हमारा कोई दोष हो, जीवन में जो भजन किया वो सब पुण्य रह गए और उसको भोगने के लिए पुनः आना पड़े, और वापस हम जन्म लेना चाहते नहीं, हमारे शिष्य तुम ही हो, पर तुम योग्य नहीं हो कि तुम्हें हम अपने अपना आशीर्वाद दें, इसलिए सबको छोड़ो और व्यापार छोड़ के भगवान की कथा गाओ। फिर उन्होंने जो जो कहा वो हमने किया, और करने के बाद उनका जो संकल्प था वो पूरा करते ही फिर वो इस संसार से अपने सब संबंधों को तोड़ा। तब हमें पता है कि आदमी का अब ये क्या है कि लोगों को लगता है कि महाराज ऐसे नहीं, इसलिए हम एक एक चीज को तब से जब से ही जीवन में घटना घटी एक एक चीज को संभल के जीते हैं, एक एक चीज को। उनके जीवन को देखा, गुरुदेव के जीवन को, पहले कुछ था नहीं, पर जब सोचा कि इतने बड़े संत जीवन में जो 7 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के हिमालय की कंदराओं में चले गए और 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने वहां तप किया और फिर आए, जीवन भर जिन्होंने राम राम किया, उनका भी अगर संबंध नहीं टूटता तो हम तो महाराज साधारण से आदमी, हम लोगों की क्या दशा होगी। बोलिए, तो दोष और पुण्य तो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। अगर आपके पुण्य ज्यादा हो गए, प्रशंसा नहीं हुई, अब उनके पुण्य ज्यादा थे प्रशंसा हुई नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक कुटिया में रहते थे, कोई जानता था नहीं उनको, उन बाहर कहीं निकले नहीं, तो भजन ही भजन किया और दोष कोई रहा नहीं, इसलिए पुण्य को भोगने के लिए उनको वापस आना पड़ता। तो पुण्य किसी को दे तो पुण्य किसको दे? गुरु अपने शिष्य को देता है, और जैसे पिता अपनी प्रॉपर्टी पुत्र को देता है वैसे गुरु अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी अपने शिष्य को देता है। तो संतों के पास में सदगुरु के पास प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके पास उनके भजन की प्रॉपर्टी, तो वही अपने साधक को शिष्य को दे के जाता है। पर शिष्य तो योग्य हो तब, और शिष्य योग्य ही ना हो तो उसको कैसे देंगे? तो फिर तो उनके किए हुए सर्जित किए हुए पुण्य का भी तो नाश होगा, इसलिए शिष्य को भी तो योग्य बनना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमने व्यापार को छोड़ा और भगवान की कथा गाने शुरू की। हमको कहां कथा गानी आती थी, हम तो कोई कथा लाइन में नहीं थे। हम सब हम अपनी बात कर, जो है वो कह देते हैं, हम कभी छुपा के नहीं रखते हैं। और छुपा के रह के आपको क्या लेना महाराज, ज्यादा से ज्यादा
मैं तो कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कोई कथा न कराए तो हम तो भी प्रसन्न है महाराज। कोई तो स्वार्थ ये रखें, अरे भाई ये हमारे राजी रहेंगे तो हमारी कथा करवाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। राजी हो तो हम तो एक ही के आगे हाथ जोड़ते हैं और वो है हमारा पूंछ वाला बाबा हमारा, वो राजी रहे, बाकी दुनिया भले नाराज रहे क्या फर्क पड़ता है। राजी मोही चाहिए तुलसी सीताराम, सीताराम जी की कृपा बनी रहे और उस पूंछ वाले की कृपा बनी रहे, बस संकल्प था गुरुदेव का वो पूरा हो गया। जिसके लिए कथा गायन गाना शुरू की थी वो गुरुदेव ने, उनका काम हो गया। अब तो ये प्रॉफिट में आप लोगों को सुना रहा हूं महाराज, बाकी हम तो कभी का विराम कर चुके होते थे। आपको मैं सही कह रहा हूं, अयोध्या के अंदर कथा गा के हम तो वही विराम कर रहे थे, अब नहीं गाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा तब आगे निरंतर चालू रखी, फिर अभी सोचा था पर फिर महाराज एक घटना ऐसी घट गई कि फिर चालू रखी। अब वो ये इस पूंछ वाले की क्या मर्जी है, कब तक ये गवाएगा ये, अब तो हमने सोचना छोड़ दिया, जब तक तेरी मर्जी हो तब तक गवा और जब तेरी मर्जी हो उस दिन ले जा, बस जय जय सियाराम। तो पुण्य दोष तो दोनों भोगने पड़ेंगे महाराज, ये निश्चित है। और जहां जय जय होती, ये नहीं कि जय जय होगी तो निंदा नहीं होगी, तो जो जय जय सुनने का अगर अधिकार रखे तो उसे निंदा सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।